गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ICS हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश टेस्ट सीरीज सुपर 30 टेस्ट सीरीज। तो आज के सेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है क्या है, चेंज द वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस दिया गया उसे किसमें एक वॉइस में जो है चेंज करना है। तो देखते हैं भाई सेंटेंसेस को। तो सेंटेंस हमारा क्या दिया गया, सीता कुड हेल्प हिम। ठीक है, सीता ने उसकी सहायता कर सकती थी। ठीक है, सीता उसकी सहायता कर सकती थी। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, जब बनाते हैं किसी भी एक्टिव सेंटेंस का, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट को जो है चेंज कर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर हिम दिया गया। और हिम जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको चेंज करके हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। ठीक है, अगर हर होता तो उसे हम क्या लिखते, सी लिखते। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ही लिखा जाएगा हिम को। तो देखते हैं किस किस विकल्प में हमारा ही दिया गया है। तो हमारा पहला विकल्प छोड़कर बाकी सब में दिया गया, तो हिम देख लिया। फिर उसके बाद में देखते हैं हम, ही तो हो गया सही है। फिर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कुड, तो यहाँ पर कुड दी गई तो कुड ही हेल्पिंग वर्ब भी भाई होनी चाहिए, कुड। तो एक में ही है हमारा, थर्ड विकल्प में क्या है, ही कुड बी हेल्प बाय सीता। थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट मैन इज गार्डनर, क्या वह आदमी क्या है, माली है। आंसर द टाइप अंडरलाइंड एडजेक्टिव। आपका जो अंडरलाइंड किया गया है दैट, उसमें आपको बताना है कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं भाई हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है। तो दैट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जहाँ पर हमारा क्या हो नंबर्स शो किए जाएँ। ठीक है, जैसे आई हैव फाइव पेंस, मेरे पास क्या है फाइव पेंस है, तो उसमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव क्या होगा, फाइव होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब किसी चीज़ की मात्रा बताई जाए, आई हैव सम राइस, मेरे पास क्या है कुछ चावल हैं, तो वहाँ पर क्या होगा सम जो होगा वो आपका क्या होगा क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो ब्रेव क्या होगा आपका क्वालिटी होगी उनकी। ठीक है, फिर या फिर यहाँ पर आपके क्वालिटी या फिर रंग रूप गुण दोष, ये सारी चीज़ें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। तो यहाँ पर डेमोंस्ट्रेटिव हमारा जो हो जाएगा, जो क्या होता है सूचक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको क्या है प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस दिया गया, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी द पुअर, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया, गरीबों में बांट दिया। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है पास के लिए जो है बिसाइड का यूज़ किया जाता है, सीट बिसाइड मी। ठीक है, वह मेरे पास बैठा, तो वहाँ पर बिसाइड यूज़ किया जाता है पास के लिए। ठीक है, पास के लिए जो है बिसाइड यूज़ किया जाता है। तो बिटवीन भी, बिटवीन क्या होता है बीच के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसने अपनी क्या है प्रॉपर्टी गरीबों के बीच में बांट दी। ठीक है, लेकिन बिटवीन का यूज़ वहाँ पर होता है जब मात्र दो लोगों के बीच की बात हो। ठीक है, जैसे राम क्या है द प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन द टू सन्स, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसने दो बेटों के बीच में बांट दी, तो वहाँ पर आपका ये क्या हो जाता बिटवीन हो जाता। और यहाँ पर क्या होगा हमारा अमॉन्ग होगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और दिया गया हमारा बिसाइड, बिसाइड क्या होता है जब हम किसी चीज़ के अतिरिक्त के लिए यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा के लिए जो है बिसाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपका क्या है टाइप ऑफ सेंटेंस जो है फाइंड आउट करना है। जो आपका सेंटेंस नीचे दिया गया है उसमें देखें किस प्रकार का जो है सेंटेंस है, प्लीज ओपन द डोर, कृपया जो है दरवाज़ा खोल दो। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव तो नहीं होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पर आपको आदेश हो या फिर रिक्वेस्ट हो या फिर प्रे की जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या है, टाइप ही आपका सेंटेंस का फाइंड आउट करना जो दिया गया, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो जो है ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा याद रखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लग जाए तो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट
फॉर्म ऑफ टेंस, आपका जो नीचे टेंस दिया गया है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको सर बतानी है, कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म में वो टेंस दिया गया है, यानी कौन से वाक्य जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, ये आपको बताना है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, आई लॉस्ट माई पेन, क्या है, मेरा पेन खो गया। तो आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया था। तो जो है यहाँ पर क्या होगा, देखें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात जब होती है जब यहाँ पर है की बात होती है, यहाँ पर खो गया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जब यहाँ पर हैड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। फ्यूचर परफेक्ट जब यहाँ पर विल है, शैल है, होता तो होता। और यहाँ पर हमारा दिया क्या गया, लॉस्ट दिया गया, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई। लॉस मतलब होता है हानि, और लॉस की सेकेंड फॉर्म जो है लॉस्ट होती है, यानी खोना। तो इसका क्या होगा, फोर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर नंबर विकल्प, यानी कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, सिंपल पास्ट का है, फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन विच फॉलोइंग सेंटेंस, आपका जो फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसमें आपको बताना है कौन सा जो है नाउन है। जो हमारा दिया गया सेंटेंस क्या है, द क्राउड वॉज वेरी बिग, यानी भीड़ क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर जो है आपका जो दिया गया है क्राउड जो है बताया गया, क्राउड क्या होता है, जब ढेर सारे लोग जो है एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ढेर सारे पीपल्स जो है एक जगह पर इकट्ठा हो, यानी किसी मीटिंग में या फिर बाजार तरीके में जब भीड़ हो जाती है तो उसे कहते हैं क्राउड, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है, फोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन, इसमें भी आपको नाउन ही बताना है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस द होगा यहाँ, ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस दिया गया उसमें क्या आपको बताना है, जो आपका नाउन है वो आपको बताना है, जो आपका सेंटेंस है, जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जिनके जो है हम क्या करते हैं, अभी जो है हमने 14 नवंबर को क्या मनाया था, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, 14 नवंबर को जो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं तो वो इन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और जो है हमें इसमें बताना क्या है, जवाहरलाल नेहरू में कौन सा जो है नाउन है, तो हमारा कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है जब किसी का एक नाम निश्चित हो, सेकेंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स, आपको क्या है, करेक्ट एडजेक्टिव जो है फिल करना है, जो हमारा दिया गया सेंटेंस है उसमें द अम्ब्रेला इज वेरी इनफ, नहीं भाई कलर्ड ये भी नहीं होता है, कलरफुल, द अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल, थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, आपको रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड जो है आपको बताना है, जो आपके नीचे जो विकल्प में दिए गए हैं उनमें आपको रॉन्गली स्पेल्ट एक वर्ड होगा वो आपको सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये जो है आपको यहाँ पर रॉन्गली नहीं राइट जो है आपको देना चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है, जो राइट हो वो आपको राइट स्पेल्ट जो है वर्ड आपको क्या करना है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, राइट स्पेल्ट, रॉन्गली नहीं, राइट स्पेल्ट वर्ड जो है आपको सेलेक्ट करना है, एक जो है इसमें जिसकी क्या है राइट स्पेल्ट है, ठीक है, एक क्या होगा राइट स्पेल्ट होगा, देखते हैं कौन होगा, स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर गलत है, ये एस ये तो ऐसे ही गलत हो गया, थर्ड, थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कुछ थर्ड क्या होगा इसमें जो सेलेक्ट रॉन्ग जो क्या कहते हैं राइट स्पेल्ट वर्ड है वो आपका क्या है स्कॉलर है, ठीक है। नायक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, आपको क्या है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म फिल करनी है आपको वर्ड के साथ में। देखते हैं जो हमारा सेंटेंस नीचे दिया गया है, क्या सेंटेंस दिया गया है, देयर डैश थ्री इन द वेज, क्या है यहाँ जो है तीन है, क्या चीज़ है, देखते हैं, इज जो है यहाँ पर प्लूरल के साथ में हो ही नहीं सकता, आर हो सकता है लेकिन वहाँ पर फ्लावर है, फ्लावर्स हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा थर्ड क्या होगा राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर फ्लावर्स, ठीक है, आर थ्री फ्लावर्स इन द वेज, मतलब यहाँ जो वो है
गुल क्या कहते हैं उसे वेज को, गुल जो आपका फूल रखे जाते हैं, ठीक है फूल वेज। तो फूलदान में कितने, यहाँ पर तीन जो है आपके क्या है फूल हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या था, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका जो है इसमें करेक्ट फॉर्म आपकी वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। देखते हैं सेंटेंस को, ही हैज बीन इन हिज हाउस सिंस, ठीक है सिंस 2000, क्या वो इस घर में जो है 2000 से रह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लिव्स हैज़ बीन, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो किसमें है प्रेजेंट, ठीक है किसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जो है आपका सेंटेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जो है आपका सेंटेंस दिया गया है। तो वहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज़ की जाती है वो कौन सी, वर्ब प्लस आईएनजी जो है यूज़ की जाती है। वर्ब में क्या होता है, आईएनजी ऐड की जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, चार नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, फोर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द इनकरेक्ट, आपका इनकरेक्ट वर्ड जो है आपको चूज़ करना है जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स। मैंगो मैंगोज, ठीक है प्लूरल। नाइफ का नाइफ, ठीक है। फूट फीट, सही है। चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होता है भाई, चिल्ड्रेन होता है। फोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चाइल्ड का जो हमारा क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है ना कि चाइल्ड्स। चिल्ड्रेन, ठीक है चिल्ड्रेन होता है चाइल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू द फिल, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, आपका जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको प्रोनाउन फिल करना है जो आपका सेंटेंस नीचे दिया गया है। देखते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। दिस म्यूजिक इन द हाउस वॉज सो लाउड दैट एवरीबडी हैड टू शाउट मेक देमसेल्फ्स, ठीक है हरसेल्फ, तो भाई अगर सी होता तो उसके लिए हो जाएगा देमसेल्फ जो है। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, themselves यानी कि फ्लेक्सी प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज डिफरेंट, एक जो है इनमें से कौन सा जो है आपका इनडिफरेंट है, सॉरी डिफरेंट है, जो आपके दिए गए टेडी, टेडी का हम अगर प्लूरल करते हैं तो क्या होता है टेडीज होता है, ठीक है। और बेबी का भी करें तो क्या होता है बेबीज हो जाता है, ठीक है। की का क्या होता है, कीज होता है, की ई वाई एस। और ट्राई का टी आर आई ई एस, ट्राइज। तो ऐसे ही पता चल गया होगा अब हमारा इसका जो सही आंसर क्या होगा, जो इसमें इनडिफरेंट है वो हमारा क्या है, कीज जो है क्या है इनडिफरेंट है, थर्ड इज द राइट आंसर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच जेंडर इज डू बिलोंग चेयर बिलोंग, मतलब कौन से जेंडर को जो है चेयर बिलोंग करती है, चेयर में मतलब कौन सा जेंडर होता है, तो बताएं भाई मैस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं होते हैं, कॉमन भी जेंडर नहीं होता है, इसमें कौन सा होता है न्यूट्रल जेंडर होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो आपकी किसमें न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो इसका थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको क्या है इसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है आपको फिल करनी, ही इज एंग्री डैश मी, मतलब वो मेरे साथ क्या था क्रोधित था मुझ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद जो है हो जाएगा, फोर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, आपकी जो है क्या है करेक्ट फॉर्म जो है आपकी टेंस की जो है आपको बताना है, ये कौन सा टेंस जो है आपकी इसमें कौन सा किस टेंस का ये वाक्य है आपको बताना है। डिड दे प्रिपेयर द टी, क्या वह चाय तैयार कर गया, क्या उसने चाय तैयार की थी, इस तरीके से भी हो सकता है। तो देखें फ्यूचर, फ्यूचर की तो बात हो नहीं क्योंकि यहाँ पर था आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट हो जाएगा, सेकेंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट पंक्चुएटेड स्टेटमेंट, ठीक है आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से एक आपका क्या होगा सही पंक्चुएटेड होगा, वही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं, राम श्याम एंड गोपाल
आर फ्रेंड्स। पहली चीज तो यहीं पर देख लेते हैं, जब भी पंक्चुएशन में सबसे पहले हमें कैपिटल वर्ड का ध्यान होता देना होता है, तो कैपिटल वर्ड्स कहाँ पर होते हैं, जब आपके प्रॉपर नाउंस जब आते हैं तो वहाँ पर उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। यहाँ पर क्या है, श्याम भी आपका लिखा है स्मॉल लेटर्स में, गोपाल भी स्मॉल लेटर पहला अक्षर, तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। राम श्याम एंड गोपाल आर फ्रेंड्स, ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पर राम के बाद में कॉमा लगा होता इस तरीके से तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, राम श्याम एंड गोपाल आर फ्रेंड्स, थर्ड क्या होगा आपका, राइट होगा, ठीक है, थर्ड क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चौथा देखते तो राम एंड श्याम एंड गोपाल जब भी इस तरीके से होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा लगा कर करते हैं, और अंत में जब आता है तो वहाँ पर एंड का यूज़ किया जाता है, एंड से कनेक्ट किया जाता है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा, राम कॉमा श्याम एंड गोपाल आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको क्या है वर्ब की जो है सुटेबल फॉर्म जो है आपको फिल करनी है। देखें इसमें क्या है, वी डैश विद अवर आईज, क्या हमने अपनी आँखों से देखा था, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या, वी सी विद अवर आईज मतलब हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो देखते हैं मतलब प्रेजेंट में, ये क्या है, एक आपका ये कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है भाई, आँखों से क्या है, देखते ही तो है, यूनिवर्सल जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में जब वर्ब्स यूज़ की जाती हैं तो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है जो भी होती है जिसकी भी, वी शॉ ये क्या होती है, सी की सेकेंड फॉर्म होती है, सीन जब आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सिर्फ, वी सी विद अवर आईज हम अपनी आँखों से देखते हैं, थर्ड क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आपको जो है सेंटेंस को क्या सही करना है, जो आप इसमें आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, आपको वर्ब फिल कर कंप्लीट आर्टिकल जो है आपका फिल करना है। देखें क्या सेंटेंस दिया गया है, नीचे सेंटेंस दिया गया है, आई हैव मेड डैश मिस्टेक, मतलब आई हैव मतलब मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है, मैं गलती कर चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक एक के लिए हमेशा ए और एन का यूज़ करते हैं, तो एन का यूज़ कहाँ पर होता है, जब क्या हो जो वर्ड हो उसका जो है प्रोनाउंसिएशन करें तो वो क्या निकल रहा हो, उसमें जो है वोवेल साउंड निकल रहा हो, ठीक है, वोकल साउंड निकले तो वो क्या होता है, वहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक आ रहा तो मिस्टेक में तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ही सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, इसमें भी क्या है, हमें आर्टिकल ही एक करेक्ट आर्टिकल ही फिल करना है जो हमारा सेंटेंस दिया गया है। देखें भाई सेंटेंस क्या है, डिड मोहन गेट जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्या मोहन ने जो है जॉब के लिए जो है अप्लाई किया था, ठीक है, तो मोहन ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, गेट द जॉब होना चाहिए, ठीक है, थर्ड क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स ए बी सी एंड डी, फाइंड आउट पार्ट दैट हैज एन एरर, आपको वो पार्ट फाइंड करना है जहाँ पर क्या हो एरर पॉइंट हो। देखें, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007 नो ईयर, तो देखें द कॉलेज तो ठीक है, इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सही है, लेकिन यहाँ पर देखें सिंस 2007, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए, ठीक है, द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, तब ये क्या होता हमारा सेंटेंस करेक्ट होता, तो इसका इरर पॉइंट कौन सा होगा, बी यानी कि सेकेंड आंसर जो है इसमें क्या है, इरर पॉइंट है, बी में क्या इरर पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पार्ट वेयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, इसमें भी आपका क्या है, एरर ही जो है आपका जो है बताना है, तो देखते हैं जो हमारा सेंटेंस दिया गया, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल थिंग्स ऑल लिविंग एनिमल्स नो एरर,
मतलब जो है एनिमल जो है आपका हाथी जो है वो क्या है सबसे ज़्यादा तो ताकतवर है जितने भी जानवर रहने वाले हैं उनमें से। तो यहाँ पर देखते हैं ठीक है द एलिफेंट सही है, इज भी सही है, लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्गर क्या है गलत है। क्यों? कंपरेटिव डिग्री का यूज़ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। सुपरलेटिव यहाँ पर कंपरेटिव होता तो स्ट्रॉन्गर राइट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया, और सुपरलेटिव में क्या होता है स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है इसका क्या होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पॉइंट, इसमें भी एरर है। सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड। जो आपका अंडरलाइंड वर्ड है उसमें क्या है आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखें, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, मतलब मैंने अपने जो है जूते जो थे वो जो किचन में टेबल थी उसके नीचे निकाल के रख दिए। ठीक है, निकाल दिए, छोड़ाया। तो यहाँ पर देखें अंडर क्या होती है, ये भाई हमारी क्या होती है प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, प्रीपोजिशन होती है। एडवर्ब क्या होती है आपकी नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई करती है। एडजेक्टिव क्या होता है आपका नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और जो है प्रीपोजिशन क्या होता है ये आपके नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध व्यक्त करते हैं, यानी कि ये व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, अगर देखा जाता तो प्रोनाउन क्या होता है जो आपके नाउन की जगह पर जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपका जो गिवन सेंटेंस है उसमें आपको वर्ब जो है आइडेंटिफाई करनी है किस प्रकार की है। तो देखें यहाँ पर दे एट, वे खा गए, क्या खा गए पता नहीं। तो मतलब इस तरीके से जब सेंटेंसेज होते हैं जहाँ आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना उपलब्ध हो, तो वो सेंटेंसेज हमारे क्या होते हैं इंट्रांसिटिव होते हैं, बोला जाए तो अकर्मक सेंटेंस बोले जाते हैं हिंदी में। और इसका क्या होगा थर्ड क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं जिनमें क्या हो ऑब्जेक्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाउन इज कंपोज्ड मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब जो है नीचे आपका जो सेंटेंस विकल्प दिए गए हैं जो ऑब्जेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं मतलब उनमें क्या है आपको मेल फीमेल को कौन जो है शो कर रहा है वो आपका कौन सा विकल्प होगा ऑप्शंस होगा। देखते हैं ऑप्शन, डक चिकन, डक के जो चूजे होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें चिकन कहते हैं। ठीक है, कॉफ काऊ, काऊ का कॉफ, काऊ के बछड़े जो है। फॉक्स विक्सन, हाँ फॉक्स का क्या होता है विक्सन जो होता है फीमेल होता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर क्या होगा थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैट के बच्चे जो है किटन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गर्ल चाइल्ड लूसी इन द पोएम्स रिटन बाय। आपकी टेंथ क्लास में आपने जो है लूसी जो है एक पोएम पढ़ी होगी जो नेचर से संबंधित है, वो किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो वो विलियम वर्ड्स वर्थ द्वारा लिखी गई है। तो इसका क्या होगा सेकंड आंसर होगा आपका विलियम शेक्सपियर से हम वहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम द नेशनल बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाय। आपकी जो है नेशनल बिल्डर्स जो पोएम है वो किसके द्वारा जो है लिखी गई है, जो नीचे आपके विकल्प दिए गए। तो ये आपकी जो है नेशन बिल्डर्स जो है आपकी लिखी गई है राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सेकेंड क्या होगा राइट आंसर होगा। और देखा जाए तो इसमें सरोजिनी नायडू दी गई, तो सरोजिनी नायडू ने जो है एक पोएम लिखी है इंडियन वीवर्स यानी भारतीय जुलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द वर्ड विच द लेटर सी एच हैव डिफरेंट साउंड। मतलब जो है आपको जो सेंटेंस जो आपके ऑप्शंस दिए गए उसमें आपको सेलेक्ट करना है ऐसा कौन सा जो है वर्ड है जिसमें क्या हो लेटर जो है सी एच क्या हो डिफरेंट साउंड में निकल रहा हो। जैसे हम पढ़ते हैं चेस, चेस सही है। केमिकल, केमिकल देखो का की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर क्या था जो साउंड था वहाँ पर चा निकल रहा था और यहाँ पर क्या निकल रहा है का निकल रहा है। नीचे देखें चेक, चेस, ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चेस, चेक केमिकल जो हैगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो साथियों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें
और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।